हेलो, मैं सेल्फ एम रत्न भूषण। वेलकम टू ASGIS करंट अफेयर्स। रोजर फेडरर पहली बार दिमित्रो से हारे। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मंगलवार को का दिन पुरुष वर्ग में युवा खिलाड़ी के नाम रहा। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रो ने क्वार्टर फाइनल में 5 बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को चौंकाया। वह स्विस स्टार पर अब उनकी पहली जीत रही, जबकि रूस के युवा दानील मेदवेदेव ने स्टेन वावरिका को बाहर का रास्ता दिखाया। माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू दिमित्रो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज, भारत रूस बोले बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि हम दोनों किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। भारत रूस के बीच 20वें वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेता संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। द्विपक्षीय बैठक में सामरिक समझे साझेदारी समेत कई समझौते हुए। भारत रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा, वायु, समुद्री संपर्क, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, व्यापार, गगनयान जैसे क्षेत्रों में 15 समझौते हुए। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश, तेल, परमाणु ऊर्जा, खनन आदि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अकेले में बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने शिखर सम्मेलन से पहले करीब 2 घंटे तक एक पोत पर अकेले में बातचीत की। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में नज़दीकी सहयोग बढ़ाना शामिल है। माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू बोथ लीडर्स। दोनों विश्व के महान नेता हैं और मैं इन दोनों लोगों को सत्य सत्य नमन करता हूँ। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज, ई गुरु बन गए अब हमारे टीचर। हमारे जीवन में इंटरनेट का दखल बढ़ने के साथ छात्रों को कापी किताबों से ज़्यादा सहज लगता है। ऑनलाइन पढ़ाई करना समय के साथ कदम ताल करते हुए तमाम शिक्षक भी एप, वीडियो के चैनल का सहारा ले रहे हैं। सरकार की तरफ से भी छात्रों के लिए एप की पहल की जा रही है। कई शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यूट्यूब बन गई आभासी कक्षा। 68% वीडियो देखने वाले यूजर कुछ नया सीखने के लिए उद्देश्य यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। 10 लाख सब्सक्राइबर वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के 35 YouTube चैनलों में 9 चैनल भारत के हैं। दीक्षा ऐप, यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को मंच देता है, जिसमें क्षेत्रीय व अंग्रेजी भाषा में 12वीं कक्षा तक के NCERT पाठ्यपुस्तक एवं सामग्री उपलब्ध है। पाठशाला, सरकार और NCERT द्वारा जारी इस ऐप का प्रयोग भी शिक्षक इलेक्ट्रॉनिक किताबें पढ़कर ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हैं। CBSE सारांश, CBSE स्कूल और अभिभावकों को यह ऐप जोड़ने का काम करती है। इससे जुड़कर शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों को पढ़ाने के तरीकों के संबंध में स्वमूल्यांकन कर रहे हैं। कमाई का जरिया भी कई शिक्षकों के लिए एजुकेशनल यूट्यूब चैनल व अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के से भी ये हर माह हजारों की कमाई भी कर रहे हैं। यूट्यूब कंपनी वीडियो निर्माता को चैनल पर उपयोगकर्ता के समय बिताने के समय के आधार पर रुपया देता है। यह कमाई चैनल पर न्यूनतम 10,000 सब्सक्राइबर होने पर शुरू हो जाती है। स्तंभ भर नहीं रह जाए शिक्षक दिवस। चौथी औद्योगिक क्रांति दहलीज पकड़ी है, पर हमारे शिक्षक दूसरी औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए रोजगार के ढांचे के अनुरूप है। शिक्षक दिवस पर विशेष हरिवंश चौधरी, डायरेक्टर बिमटेक। देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो सिलसिला 1967 में शुरू हुआ, स्कूल कॉलेजों में अब यह एक उत्सव का रूप ले चुका है। इस दिन जमकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और शिक्षकों की महिमा के गीत गाए जाते हैं। इस बीच हम ये भूल चुके हैं कि शिक्षक दिवस मनाने के सुझाव के पीछे क्या परिकल्पना रही होगी। सारे देश में मनाए जा रहे शिक्षक दिवस की धूमधाम के बीच आइए जरा यह सोचें कि हमारे समाज में आज शिक्षा और शिक्षक के पेशे को कितना सम्मान दिया जाता है। क्या आज हम अपने किसी पुराने शिक्षक से मिलकर उतने ही भाव विभोर होते हैं जितने किसी नेता, अभिनेता, क्रिकेट स्टार, डांसर, गायक या साधु संत से मिलने पर होते हैं। हमारी युवा पीढ़ी में कितने ऐसे लोग होंगे जो शिक्षक बनना चाहेंगे? क्या शिक्षक, लेखक और वैज्ञानिक जैसे पेशों के प्रति हम उदासीन नहीं हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था अभी हाल ही में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े गुणात्मक परिवर्तन और सुधारों के बीच ये संभव होगा? चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे दरवाजे खटखटा रही है, किंतु हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली अभी भी 19वीं सदी में हुई दूसरी औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए रोजगार के ढांचे के अनुरूप कवायद कर रही है।
पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे युगांतकारी परिवर्तन आए कि विश्व स्तर पर उद्योगों, व्यवसायों, बाजारों, समाज, शिक्षा, मीडिया और राजनीति में सब कुछ उलट पलट रहा है। यह सब कुछ इतने नतीजे से घटित हो रहे हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई वैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं या कोई हॉलीवुड की एवेंचर जैसी मूवी देख रहे हैं। सूचना क्रांति ने दुनिया को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, किंतु चौथी क्रांति, औद्योगिक क्रांति ऐसे बड़े बदलाव लाने जा रही है जिनकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। पर क्या हमारे राजनेता, नीति निर्माता, शिक्षक और विद्यार्थी इस कटु सत्य के वाकिफ हैं? आजकल उपलब्ध अधिकांश रोजगार वर्ष 2030 तक खत्म हो जाएंगे, जो नए रोजगार पैदा होंगे उनकी तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा, पाठ्यक्रम, उपकरण, शिक्षक और पढ़ाने के तौर तरीके हमारे पास नहीं है। आज विश्व स्तर पर औद्योगिक क्रांति के अनुरूप शिक्षा 4.0 की बहुत चर्चा हो रही है। शिक्षा 4.0 जिसे मोटे तौर पर चौथी शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। वर्ष 2030 तक पहुँचते पहुँचते दुनिया में शिक्षक का पैसा खत्म होने जा रहा है, लेकिन यह सत्य है कि शिक्षक की महत्ता और भूमिका में बड़े बदलाव आएंगे। आज़ादी के बाद भारतीय समाज ज्ञान विज्ञान, समानता, चरित्र निर्माण, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सरोकार जैसे मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा लगातार खोता गया। इसके विपरीत भ्रष्टाचार, धन लिप्सा, स्वार्थ, चालाकी और अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य हमारे समाज पर हावी होते चले गए। इस दौर में शिक्षकों की पेशागत प्रतिबद्धताओं और योग्यताओं में भी लगातार क्षरण होते देखा गया। आज़ादी के बाद के प्रारंभिक दशकों में शिक्षकों की कार्यदशाएं व वेतन भत्ते अन्य पेशों की तुलना में कम थे। नतीजन पूरे देश में प्राथमिक स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षकों के संगठनों ने शिक्षकों को लामबंद करके लगातार आंदोलन किए। शिक्षकों को राजनीतिक दलों, विधायकों में नामित किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दी गई। शिक्षक संघों के आंदोलनों से जहां उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा के उन्नयन से लगातार विमुख होते हुए भी देखा गया। क्या स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से जुड़े राष्ट्रीय व प्रादेशिक संघ शिक्षा के प्रति शिक्षकों की उदासीनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? पिछले 3 दशकों के में चौथे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों के वेतन में लगातार बढ़ोतरी होती है। सन 1977 में डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर को करीब 1000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, जो 6वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 80,000 रुपये तक पहुँच गया। यानी 42 वर्षों में 80 गुना समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा में गिरावट का कारण उनके आर्थिक स्तर में सुधार के साथ साथ उनकी पेशागत प्रतिबद्धता में कमी होना। देश के कई राज्यों के जाने माने विश्वविद्यालयों में अकादमिक सत्र के दौरान कक्षाएं 100 दिन भी न लगना इसका दुष्परिणाम ही कहा जाएगा। पिछले 73 वर्षों में कई बार शिक्षा और शिक्षकों के पेशे से संबंधित अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। 7 बार शिक्षकों के वेतन को सुधारा गया, किंतु न तो शिक्षा में कोई व्यापक बदलाव आया, न ही शिक्षक के पेशे को समाज में कोई खास अहमियत मिल पाई। यह मान लिया गया कि शिक्षक एक बड़ी प्रणाली का पुर्जा मात्र है, जो ठीक वही करता है जैसे मशीन को चालू करने में पर एक पुर्जे को कारना होता है। मैं रत्नभूषण शिक्षक दिवस पर आप सभी लोग को हार्दिक बधाइयां देता हूं। क्रूज शिप जैसा दिखेगा अंतरिक्ष का पहला होटल। अंतरिक्ष में बनाया जाने वाला पहला स्पेस होटल क्रूज शिप की तरह दिखाया जाएगा। इसमें कई बेहतरीन सुविधाएं जैसे कॉकटेल बार, रेस्तरा और सिनेमा आदि मौजूद होंगे। इसे बनाने वाली निजी एरोस्पेस कंपनी द गेटवे फाउंडेशन ने इसके डिजाइन को सबके सामने प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तकनीक के आधार पर बोन ब्राउन स्पेस स्टेशन में इस होटल का निर्माण किया जाएगा। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण यह ISS से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया जाएगा। इससे वहाँ लंबे समय तक रहना काफ़ी आरामदायक हो सकेगा। इस होटल के में एक 190 मीटर व्यास का चक्र होगा, जो गुरुत्वाकर्षण पैदा करने के लिए घूमता रहेगा। इस चक्र में 24 कमरे होंगे, जिनमें सोने और रहने की अन्य सुविधाएं भी होंगी। तो आप देख सकते हैं, अब हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे घूमने के लिए। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इंडियाज क्लाइमेट स्कोर हाई ऑन द वल्नरेबिलिटी, लो ऑन द रेजिलियंस, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज। HSBC 2018 असेसमेंट ऑफ इंडिया बीइंग द कंट्री द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज ऑफ इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। हाउएवर अगेंस्ट साइंटिफिक वार्निंग्स, कार्बन इमिशन कंटिन्यू टू राइज इन चाइना, द US एंड इंडिया, 3 ऑफ द बिगेस्ट इमिटर्स।
Brazil, under its president Jair Bolsonaro, is encouraging, under the false pretext of promoting economic growth, unprecedented deforestation of Amazon rainforest as forest fires worsen global warming, the hardest hit by the resulting floods, storm, heat waves and droughts will be in India. Amidst this dangerous sitting, global leadership must act with far greater urgency, and the countries, including India, ought to switch rapidly from the polluting fossil fuel to cleaner renewable energy while building much stronger coastal and inland defenses against climate damage. Brazil must reverse course on the mindless destruction of the Amazon rainforest. Russia opens a porthole to Chennai, signs MOI with India for maritime communication between city and Vladivostok. India and Russia on Wednesday agreed to open a maritime route between Chennai and Vladivostok to ensure connectivity between the two countries. A memorandum of intent was signed between the Indian Ministry of the Shipping and the Russia Ministry of Transport for the development of maritime communication between the ports of the China and Vladivostok after Prime Minister Narendra Modi talks with Russian President Vladimir Putin. Openings of this route between Chennai and Vladivostok assumes significance because it's ensured there will be a connectivity between the two major ports, which will give impetus to the cooperation between India and the Russian Far East. Indian Foreign Secretary Vijay Gokhale told reporters here. Mr. Gokhale said that Prime Minister Narendra Modi proposed. President Putin was optimistic about manpower exports as Russia, which is a shortage of labor, and in this context, the MOI on opening of the route between Chennai and Vladivostok assumes significance. It's a great thing, great. My heartiest congratulations to both leaders. Vienna crowned the most liable city. Austrian capital retains its position from the second time in the row. New Delhi drops 6 places to 118th rank. Austrian capital Vienna has retained its ranking as the world's most livable city, according to annual report from the Economist Intelligence Unit EIU, the research division of the Economic Group. Vienna once again came ahead of the Melbourne, which had held for the top ranking for the 7 years until losing its Vienna 2018, according to the report released on Wednesday. The top two cities were followed by Sydney, Osaka and Calgary. Each year EIU gives 140 cities scores out of 100 on the range factors such as living standard, crime, transport infrastructure, access to education, healthcare, as well as political and economic stability. Megalithic culture. Mega means huge, lithic means stone. Megalithic culture sword unearthed in Kannur village. The state archaeology department, Kozhikode, has owned the what it calls megalithic era iron sword, a sizzle and a few decorated pottery from a rock-cut cave at the Pothuvecheri in Kunnur district. The 105-centimeter sword, believed to be 2,500 years old, was found during a scientific clearance at the historical site. So Vienna number one, the most livable. Vienna number one, Austria. Melbourne two, Sydney, Australia. Osaka, Japan. And Calgary, Canada, Calgary, Canada, Calgary, Canada, Calgary, Canada, Calgary, Canada, Calgary, Canada. Least livable, Damascus, Syria, Lagos, Nigeria, Dhaka, Bangladesh, Tripoli, Libya, Karachi, and that is Pakistan. PM Modi travels to Paris in the then Vladivostok. Could France be the new Russia for India? Could France be the new Russia for India? Could France is taking over the special place Russia has in the Indian system? It's been about 2 decades in the making, but this scratch card may be finally showing its a combination. Consider ISRO 1 to be the Venus and sent to a manned space mission. Thank you so much. My heartiest congratulations to Vladimir Putin and respected Modi ji. Thank you.